सबसे पहले रेस्पोंस इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें इनडेफिनिट ग्रोथ होता है, और इसमें दो दो फैमिली आता है, जिसमें से पहला है ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी और दूसरा है फेबेसी। और उसके नेक्स्ट है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें डेफिनेट डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस होता है, डेफिनेट ग्रोथ होता है उसका, और इसमें नेक्स्ट दो फैमिली आता है सोलेनेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। ट्राइमेरस, ट्राइमेरस फ्लावर में आता है लिलिएसी, जो कि तीन के मल्टीपल में इसका इसका सेपल्स या पेटल्स होता है, ठीक है। और टेट्रामेरस में आता है ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी। और पेंटामेरस में आता है फेबेसी एंड सोलानेसी। असिमेट्रिक फ्लावर का एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वह है कन्ना। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एक जैसे है ट्रिक है MCD। MCD से जैसे हम लोग याद रख सकते हैं, एम से मास्टर्ड, मस्टर्ड, मस्टर्ड चाइना रोज एंड दतूरा। इसके साथ ही और भी है इसमें, जैसे पी, जैसे इसमें और ले सकते हैं ब्रासिकेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी फैमिली को भी, वो भी इसी में आता है ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी लिलिएसी एंड सोलानेसी। सिर्फ एक फेबेसी फैमिली है, वो फेबेसी आता है जाइगोमॉर्फिक में, फेबेसी। और इसके अलावा इसका जो है जाइगोमॉर्फिक में, उसको याद रख सकते हैं पेगुबिका, पेगुबिका पे से जैसे पी गुलमोहर, बीन एंड इसका है केसिया। अच्छा, ये हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवरी का एग्जांपल्स है MCB, एम से मास्टर्ड, मस्टर्ड चाइना रोज, चाइना रोज ब्रिंजल। और इसके साथ ही और भी है, जैसे कि लेडी फिंगर कॉटन भी इसी में आता है, और साथ ही चारों फैमिली जैसे ब्रासिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी, ये चारों फैमिली भी आता है हाइपोगाइनस में। लेडी फिंगर भी लिख लीजिए, लेडी फिंगर एंड कॉटन, वो भी हाइपोगाइनस में है। पेरीगाइनस का तीन ही एग्जाम्पल दिया है NCERT में, इसमें लिख सकते हैं रोज, प्लम, पीच। एपिगाइनस का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि एपिगाइनस में आपको कुकुम्बर है, कुकुम्बर, गुआवा और एक और है सनफ्लावर। इसके साथ ही वाटरमेलन, मेलन, बीटर गार्ड, ये मतलब इतना सिर्फ आप तीन को कम से कम याद रखना पड़ेगा, ये NCERT में दिया हुआ है। एस्टिवेशन में है, जैसे कि वाल्वेट एस्टिवेशन है, और वाल्वेट एस्टिवेशन में ये होता है कि सेपल्स या पेटल्स का जो सेपल्स या पेटल होता है वो ओवरलैप नहीं करता है। और इसमें एक ही एग्जाम्पल दिया है NCERT में, केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस।
हालांकि जनरली यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ट्विस्टेड में है, ट्विस्टेड में ये जो सेपल्स या पेटल्स है ये रेगुलर ओवरलैपिंग है इसका। और इसका एग्जांपल दिया है कॉटन चाइना रोज, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर और इम्ब्रिकेटेड में है इरेगुलर अरेंजमेंट है सेपल्स या पेटल्स का, और वो ओवरलैप भी किया हुआ है। तो इसमें एग्जांपल्स है केसिया एंड गुलमोहर का, केसिया गुलमोहर। और वैक्सिलरी में इसमें वो पांच उसका सेपल्स होता है, और ये फेबेसी फैमिली में ही सिर्फ पाया जाता है फेबेसी। इसके एग्जांपल्स पी है पी। तो थैंक यू दोस्तों, जल्दी हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और ये है शॉर्ट में सबको रिवाइज्ड एग्जांपल्स ऑफ मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट।